दो पत्रकारों को थाना सराय अनायत के थाना प्रभारी व दरोगा आकाश राय उनके सहयोगियों द्वारा पत्रकारों को पिटाई के मामले में कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जाएंगे सीबीआई जांच। हम आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगंज सरायनाथ थाने में किसी प्रकरण को लेकर दो पत्रकार साथियों की पुलिस ने जमकर पिटाई की तथा उनका आईडी कार्ड भी छीन लिया। मामले में थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में मारपीट की है। पुलिस के इस घिनौने कृत्य की भारतीय पत्रकार संघ ने घोर निंदा की तथा आरोपी एसआई आकाश राय को तत्काल बर्खास्त किए जाने की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से की गई, जिसकी शिकायत पत्रकार संघ द्वारा एसपी गंगापार प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज, डीआईजी प्रयागराज तथा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, परंतु उस पर अभी तक थाना अध्यक्ष सराय राय व दरोगा आकाश राय व कौशलेन दुबे के ऊपर कोई कठोर व दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिससे पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। भारतीय पत्रकार संघ ने वरिष्ठ अधीक्षक से डीआईजी से मिलकर बर्खास्त करने की मांग की है। पत्रकारों ने कहा कि सभी चैनलों के पत्रकार व प्रिंट मीडिया के लोग दिन रात जान की बाजी लगाकर कोरोना जैसी महामारी में समाचार कवरेज करते हैं, लेकिन अफसोस सत्ता पक्ष में तथा विपक्ष के नेताओं द्वारा संज्ञान में डाला गया है। कुछ पत्रकारों ने कहा कि हाईकोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए। पत्रकार व पत्रकार संघ के अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष अरशद अली द्वारा यह कहा गया कि पत्रकारों की पुलिस द्वारा पिटाई की जांच हम कांग्रेस कमेटी के उच्च पदाधिकारी व नेतागण द्वारा अनुरोध किया जाएगा कि पीड़ित पत्रकारों की जांच सीबीआई द्वारा किया जाए, नहीं तो पत्रकारों को न्याय मिलना असंभव है। अगर ऐसा ही होता रहा तो पत्रकार तथा मीडिया कर्मियों को पुलिस प्रशासन व उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा तथा पुलिस प्रशासन का मनोबल सातवें आसमान पर होगा। सरायनाथ थाने के एसओ एसआई व उनके सहयोगियों द्वारा घोर निंदनीय कृत्य किया गया, जिसका दंड उन्हें मिलना ही चाहिए, अन्यथा पत्रकारों को न्याय मिलना असंभव है। नाच में जिस तरीके से एक पत्रकार उसकी धर्म पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और उनके साथ उनको मारा पीटा भी गया है और जो कि वो गर्भवती भी थी, ये दुखद है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। एक लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ पत्रकार और मीडिया को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, वो सच्चाई को उजागर करे, और आज उसी का शोषण हो रहा है, उसी पर अत्याचार हो रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ और ये शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि तत्काल उसकी FIR दर्ज कर और न्यायिक जांच हो और उच्च अधिकारी द्वारा इसकी जांच हो और दोषी पुलिसकर्मी जो भी हो उनको सख्त सख्त सजा मिले, दंडित हो, ताकि आगे कोई ऐसा पुलिस या अधिकारी कोई भी पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, क्योंकि पत्रकार हमारे लोकतंत्र का एक प्रहरी है। जनता को सही चीज़ मीडिया के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से वो उजागर करता है, जनता के बीच में रखता है, और उसके साथ अगर ये हो रहा है तो बहुत गलत है। ये न्याय संगत नहीं है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द FIR होकर जो भी दोषी हो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जो दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा और कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। अभी तक इतनी एप्लीकेशन देने के बाद भी ये उचित कार्रवाई नहीं हो रहा। 17 तारीख से आज ये डेट हो गया, इतने दिन से मामला हो गया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो पुलिस की ढुलमुल रवैया है, वो इख्तियार कर रखी है, क्योंकि उसको तो तत्काल अपने इतना बड़ा मामला, और चूँकि तमाम मीडिया चैनलों में, पेपरों में और तमाम सोशल मीडियाओं में चल रहा है, तो उसको तो अपनी साख और अपनी लाज को बचाने के लिए, पुलिस की वर्दी की जो हनक है उसको बचाने के लिए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी, बार बार मैं कह रहा हूँ कि पुलिस वाले अगर दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और यहाँ का जिला प्रशासन उसको गंभीरता से ले। कहीं ऐसा ना हो कि पत्रकार अगर आंदोलन करने पर आ जाएगा तो फिर हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ हिल जाएगा, पूरे हिंदुस्तान का, क्योंकि अगर अभी तक ये जो पत्रकार बंधु जो हैं वो अभी तक खामोश बैठे हैं और प्रशासन का इंतजार देख रहे हैं कि FIR दर्ज हो और कार्रवाई की बात हो। अपना परिचय इरशादुल्ला। हाँ, ये जानकारी हमको भी सोशल मीडिया द्वारा और पेपर द्वारा मालूम हुआ कि सरायनाथ थाने में दो पत्रकार बंधु हमारे थे, अजय कुमार विश्वकर्मा जी, और अपने साथी के साथ थाने में गए हुए थे और उनकी पत्नी भी उनके साथ गई हुई थी। कुछ आपसी विवाद था उनके मामा के साथ, ये कंप्लेन करने उन लोग गए हुए थे, जिस पे वहाँ के चौकी इंचार्ज
और एसओ सराय इनायत ने उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया और पता ये चला कि उनको बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया, जो काफ़ी निंदाई कर रहे हैं, क्योंकि एक पत्रकार जो है ये देश का चौथा स्तंभ है। जब ये पत्रकार बंधुओं को इस तरीके से बर्ताव करेंगे तो आम जनता उनसे क्या न्याय की उम्मीद करेगी। और जिस तरीके से हमने देखा भी उन पत्रकार बंधुओं को जाके खुद देखा कि जिस बुरी तरीके से उनको मारा गया है, ये इस बदन में पूरे निशान पड़े हुए हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दमनकारी सरकार के आड़ में ये पुलिसकर्मी भी अपना मनमाफिक फ़ायदा उठा रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी इसकी घोर निंदा करती है और प्रशासन से मांग करती है कि ऐसे दोषी कर्मचारियों के ऊपर और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी सीबीआई जांच की जाए और दोषियों को माकूल सज़ा दिया जाए। अरशद अली, महानगर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाद।